नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। नागपुर के इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कोरोना वायरस के 5 संदिग्ध भाग गए हैं। इससे अब राज्य सरकार की परेशानी और बढ़ गई है। कल देर रात हुई इस घटना के बाद पूरे शहर में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस को हाई अलर्ट कर पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। संदिग्धों को खोजा जा रहा है, वे ज्यादा दूर भाग नहीं पाएंगे। इन संदिग्धों की स्थिति अभी क्या थी, इसकी पूरी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। कोरोना वायरस से संक्रमित 17 मरीजों की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र में अब तक पुणे में सर्वाधिक 10 मामलों की पुष्टि हुई है। मुंबई और नागपुर में 3-3 और ठाणे में 1 मामले की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, पुणे, पिंपरी, चिंचवड़ के सभी स्कूलों, कॉलेजों, सिनेमाघरों, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल को बंद रखने के आदेश दिए हैं। कोरोना वायरस से लोग इतने ज्यादा खौफ में हैं कि अस्पताल में रहकर इलाज भी नहीं करना चाहते हैं। लोग तो जांच कराने से भी बच रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के चलते पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के सभी स्कूल बंद। कोरोना वायरस के चलते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अगले आदेश तक पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के सभी स्कूल बंद करने की घोषणा की है। हालांकि जिन स्कूलों में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चल रही है, वे स्कूलें खुले रहेंगे। वहीं मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नागपुर और पिंपरी चिंचवड़ के सभी मॉल, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल 30 मार्च तक बंद किए गए हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक, ट्विटर, हाइकोन, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।